Yes, when I see about its advantages, I have four advantages of this method. One is simple, formula aapko bata diya hua hai. How to calculate it? If the life is being given, then cost minus scrap divided by life. If it is being given in the percentage, so it is always to be applied on the cost of the asset. Like 10 lakh ka agar asset kharida hai aur 10% agar depreciation hai, to har saal 1 lakh lagega. Kitne saalon tak 1 lakh lagega? 10 सालों तक लगेगा भाई, उसके बाद एसेट की वैल्यू ही जीरो रह जाएगी. तो एक ऐसा मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन है, कई बार वो क्वेश्चन पूछता है, नेम द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन इन विच द वैल्यू ऑफ द एसेट बिकम जीरो आफ्टर अ टाइम पीरियड. ठीक है, आफ्टर अ फिक्स टाइम पीरियड यू कैन सी. तो अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड योर एसेट कम्स टू जीरो. डन, आगे चलते हैं. सेकेंड एडवांटेज क्या था? एसेट इज फुली रिटर्न ऑफ, यही इसका मतलब है. एसेट विल कम टू जीरो. फुली रिटर्न ऑफ मीन्स 10 सालों में पूरी खत्म हो जाएगी. 10 लाख की अगर एसेट है, इन माई इमेजिनरी एग्जाम्पल, इफ द एसेट कॉस्ट रुपीज 10 लाख एंड फॉर एग्जाम्पल 20% डेप्रिसिएशन का रेट है, तो हर साल आप कितना कितना डेप्रिसिएशन लगाओगे? 2 लाख. सो इन दिस केस इन 5 years एसेट विल कम टू जीरो. सो एक ऐसा मेथड है जिसमें एसेट फुली रिटर्न ऑफ का मतलब है पूरी तरह से खत्म हो जाएगा. 5 सालों के बाद आपको नया एसेट खरीदना ही पड़ेगा इफ यू आर चार्जिंग द डेप्रिसिएशन विद 20%. डन, आगे चलते हैं. नॉलेज ऑफ टोटल डेप्रिसिएशन चार्ज, ये कैसा मेथड है जिसमें आपको पता चल जाता है ओवरऑल कितना डेप्रिसिएशन चार्ज किया. तो कितना डेप्रिसिएशन चार्ज किया इस मेथड में? 20%. हर साल कितना? 2-2 लाख. ओवरऑल द अमाउंट ऑफ द डेप्रिसिएशन मैचेस विद द कॉस्ट ऑफ द एसेट. जितनी कॉस्ट ऑफ एसेट है थ्रू आउट द लाइफ ऑफ एसेट, आप उतना ही डेप्रिसिएशन क्या करोगे? चार्ज. जब मैं कहती हूँ यहाँ पे हर साल 2-2 लाख है, तो 5 साल तक 2-2 लाख चार्ज करोगे. सो इट इज वेरी इजी टू डिटरमिन द टोटल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन हियर. डन, आगे चलते हैं. सुटेबल फॉर फिक्स्ड लाइफ एसेट, इट इज क्वाइट ऑब्वियस दैट स्ट्रेट लाइन मेथड इज बीइंग अप्लाइड ऑन द फिक्स्ड एसेट्स, नॉट ऑन द करंट एसेट. तो ये जिनकी लाइफ क्या है? फिक्स है, लाइक फर्नीचर की लाइफ, मशीनरी की लाइफ, जिनके बारे में हमें बिफोर हैंड ही पता है कि इतने सालों तक ही चलना है, उसके लिए हम लोग आमतौर पे स्ट्रेट लाइन मेथड क्या करते हैं? यूज करते हैं. ठीक है, सो एक पॉइंट बढ़ा के लिखा है, अदरवाइज ऑल द मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन आर बीइंग अप्लाइड ऑन फिक्स्ड लाइफ एसेट. नाउ कम टू द लिमिटेशन, दैट डे ऑल्सो वी डिस्कस्ड द फर्स्ट लिमिटेशन. He says interest on capital. यहाँ पे confuse होने की जरूरत नहीं है. This interest on capital is not from the viewpoint of the proprietor. This interest on capital is from the viewpoint of your borrowing. जब आपने पैसा borrow किया था, उस time पे आपने कितने rate of interest पे उसे borrow किया था? इस method में हम cost of asset तो determine करते हैं. Like 10 लाख का अगर मैंने asset खरीदा, तो मैं 10 लाख के ऊपर depreciation लगाती हूँ. ये 10 लाख अगर मैंने bank से borrow किया और उसने 15% मेरे को रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया, तो ओवरऑल इसकी अमाउंट कितनी ज्यादा बढ़ जाती. और 5 सालों में आपने उस लोन की वापसी करनी है. चलो एक मिनट कैलकुलेट करते हैं. 10 लाख का आपने लोन लिया, देखना जरा, 5% इंटरेस्ट मान ले, 5 सालों में आपने लोन को क्या करना है? वापस करना है, रीपेमेंट. ठीक, आपको पता है जब लोन की रीपेमेंट होती है, इंस्टॉलमेंट एक फिक्स होती है जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है प्लस इंटरेस्ट होता है. Installment is equal to principal plus interest. These three boys are disturbing me a lot. You have to fill this gap. दो जने आ जाओ आगे और एक वहीं पे बैठा रहे. ठीक है, और जो पीछे बैठा है वो एक बेंच छोड़ के पीछे बैठ जाए. Two options are with you. So I was talking about installment. How the installment is to be fixed? एक principal amount है, एक interest है. मैंने क्या बोला? 10 लाख का मैंने loan लिया और मैंने 5 सालों के बाद इस लोन की वापसी करनी है, और 5% उसने हर साल मेरे से इंटरेस्ट लेना. 1 साल का इंटरेस्ट कितना बनेगा? 5% इज 50, 5 सालों का 2.5 लाख. इट मींस कि ये चीज तो आपको 12.5 लाख की पड़ी ना, क्योंकि 10 लाख का अगर लोन लिया तो 2.5 लाख इंटरेस्ट वापस करोगे ना 5 सालों में. इट मींस कि वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को इग्नोर करता है ये मेथड. कितना टेक्निकल पॉइंट बनाया. आप डेप्रिसिएशन किस पे लगाओगे? आप 12.5 पे थोड़ा ना लगाओगे. ये 10 लाख की अमाउंट आपको कितने में पड़ी? 12.5 में. चाहे आपने इंस्टॉलमेंट में पैसा देना है, पर ओवरऑल आपको 10 लाख के बदले में 12.5 लाख बैंक को वापस करना है. दिस यू आर गेटिंग मी? सो व्हेन वी अप्लाई स्ट्रेट लाइन मेथड, वी नेवर टेक इनटू कंसीडरेशन अबाउट द इंटरेस्ट टू बी पेड ऑन बॉरोइंग. और आमतौर पे बिजनेस हाउसेस ये लाखों करोड़ों की जो मशीनें खरीदते हैं, खुद थोड़े स्पॉन्सर करते हैं, लोन वगैरह लेके करते हैं. दे यूज टू बोरो द मनी.
बट वी इग्नोर इन दिस मैथड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मीन्स कितने पे आपको वो लोन मिला था, हम वो इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग को क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं, विच इज अ मेजर ड्रॉबैक ऑफ इट. और वैसे बनती भी नहीं बात, क्योंकि इसने बोला है क्या, ओरिजिनल कॉस्ट मैथड. डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज्ड ऑन ओरिजिनल कॉस्ट. तो जितना आपने सप्लायर को पे किया वही हमारी कॉस्ट है. तो हम ये इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग को क्या करते हैं, इस मैथड में इग्नोर करते हैं. दैट्स व्हाई इट बिकम्स अ लिमिटेशन. डू यू एग्री? ये साइंटिफिक वे नहीं है. एक हिट एंड ट्रायल मेथड से किसी ने कभी ये मेथड इन्वेंट किया होगा एंड वी आर यूजिंग इट ब्लाइंडली. ठीक, वी नेवर कंसीडर कि हमें एक्स्ट्रा में कितना पेमेंट करनी पड़ी. वो हम लोग तो कहने को तो मेरे को 12.5 लाख में ऐसे पड़ी ना. अगर 10 लाख का मैंने लोन लिया और 5 सालों में बैंक को वो लोन की वापसी करनी है और बदले में 10 के बदले में मैंने 12.5 वापस करना है, तो कहने को तो 12.5 लाख का ही पड़ा ना. ठीक है, बट वी हेयर टेक ओनली 10 लाख एज द बेस टू कैलकुलेट द डिप्रिसिएशन. देन आगे चलिए, सेकेंड लिमिटेशन क्या है, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस. सिंस द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन रिमेंस कॉन्स्टेंट एवरी ईयर, दिस यू एग्री? हर साल डेप्रिसिएशन सेम है. अभी मैंने एग्जांपल क्या दी थी, ये तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, 20% अगर डेप्रिसिएशन है तो हर साल आप कितना करते हो, 2-2 लाख डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हो. अब ध्यान से सुनना, जब ये एसेट का पहला साल था उस साल रिपेयर की आमतौर पर जरूरत नहीं पड़ेगी. एज एंड व्हेन द एसेट गेट्स ओल्डर उसे रिपेयर और मेंटेनेंस की ज्यादा जरूरत पड़ेगी. तो आपको नहीं लगता लेटर इयर्स ऑफ द लाइफ ऑफ एसेट डेप्रिसिएशन की अमाउंट ज्यादा होनी चाहिए और बिगिनिंग में क्या होनी चाहिए, कम? क्योंकि बिगिनिंग में तो वो ब्रांड न्यू है, हमें कोई खास उसके ऊपर खर्चा वगैरह करना ही नहीं है. तो व्हाई टू सेव द इक्विवेलेंट अमाउंट टिल द एंड ऑफ द एसेट? सो अगेन द लॉजिक इज मिसिंग हियर. देखो उसने पॉइंट को रिलेट कैसे किया, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस. सिंस द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन रिमेंस कॉन्स्टेंट एवरी ईयर, द एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस इंक्रीज ग्रेजुअली. रिपेयर की जरूरत धीरे धीरे हमें ज्यादा पड़ेगी जैसे जैसे एसेट पुराना होता शुरू हो जाएगा. ठीक है, ग्रेजुअली एज द एसेट ग्रोज ओल्डर एंड एज सच प्रॉफिट्स एंड लॉसेस चार्ज हेविली इन द लेटर ईयर. अब ध्यान से सुनना अगली लाइन का क्या मतलब है. मैंने पहले साल भी 2 लाख, पहले साल सिर्फ इंजीनियर चेक करने आया एसेट ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा. ठीक, उसने सिर्फ 2000 अपनी विजिटिंग फीस ली. अगले साल उसको लगा थोड़ा सा एक ना पार्ट रिपेयर की जरूरत है, उसने 2000 अपनी विजिटिंग फीस ली, 4000 के वो पार्ट की रिपेयर करी, अगले साल 6000 रुपये. अगले साल वो डैमेज हो गया बिल्कुल, हर साल वो आ रहा है चेक करने को, 2000 वो अपनी विजिटिंग फी लेता है, वो पार्ट बिल्कुल डैमेज हो गया, 20000 का वो पार्ट चेंज करना पड़ा, 2000 उसकी विजिटिंग फी. अगले साल 2000 उसकी विजिटिंग फी, फिर से थोड़ा सा खर्चा मैं बढ़ा के, मैं इमेजिनेशन में ये कर रही हूँ, जैसे जैसे एसेट पुराना होना शुरू हो जाता है, वो जो एसेट स्पेयर पार्ट चेंज किया था वो एज इट इज वर्किंग है, कोई और स्पेयर पार्ट चेंज करना पड़ा. ठीक है, 2000 उसकी विजिटिंग फी और दूसरा जो स्पेयर पार्ट चेंज करना पड़ा वो 25 का था, अब 27. सो व्हाट आई वांट टू टेल यू दैट एवरी ईयर एज एसेट गेट्स ओल्डर आपका रिपेयर का खर्चा बढ़ रहा है. जब रिपेयर का खर्चा बढ़ रहा है तो पहले साल आप 2 लाख और 2000 P&L अकाउंट में एक्सपेंस शो करोगे, दूसरे साल आप 2 लाख और 6000 P&L अकाउंट में एक्सपेंस शो करोगे, तीसरे साल 2,22,000, चौथे साल 2,27,000. मान लो अगले साल 30 हो जाता है. ठीक है, तो 2,30,000 यू विल बी चार्जिंग एज एन एक्सपेंस. हैड यू बीन चार्जिंग डेप्रिसिएशन विद द डिफरेंट अमाउंट्स, और जैसे जैसे एसेट की वैल्यू डाउन होती जाती आप डेप्रिसिएशन के अमाउंट भी डाउन करते जाते, क्योंकि इधर से रिपेयर का खर्चा बढ़ रहा है ना. आगे जाके मैं थोड़ा सा यहीं पे बता देती हूँ, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड ज्यादा लॉजिकल है. कैसे, 10 लाख की एसेट खरीदी, सेकेंड मेथड जो इसका आगे इस डेफिशिएंसी को रिमूव करेगा. पहले साल डेप्रिसिएशन 2 लाख वो कॉस्ट पे ही लगनी है, वैल्यू कितनी बची, अगले साल इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगे, जो वैल्यू रिड्यूस होके आएगी रिटर्न डाउन वैल्यू. अब की बार डेप्रिसिएशन कितना होगा, 160 लेस करके कितना आया, 640. अब की बार 640 के ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा, डेप्रिसिएशन कितना हुआ, 120. ये ज्यादा लॉजिकल नहीं लग रहा? अगर मैं ये वाला मेथड फॉलो करती होती तो पहले साल डेप्रिसिएशन 2 लाख, दूसरे साल कितना होता, 1,60,160+6 तो 166 कम खर्चा होता ना. Means आपका प्रॉफिट के ऊपर बर्डन बढ़ जाता है when you are following the straight line method, क्योंकि जैसे जैसे एसेट पुराना होता है रिपेयर के खर्चे बढ़ते जाते हैं, आप डेप्रिसिएशन सेम रखते. वी शुड नॉट डू लाइक दिस, डेप्रिसिएशन शुड ऑल्सो कम डाउन बिकॉज द एसेट इज बिकमिंग ओल्डर, और एसेट की वैल्यू अगर डाउन हो रही है तो डेप्रिसिएशन की अमाउंट क्यों नहीं डाउन हो रही. आपने वही डेप्रिसिएशन की अमाउंट रखी जो पहले साल ब्रांड न्यू एसेट की रखी थी, इज इट सीम्स टू बी साइंटिफिकल, इज इट लॉजिकल?
So here lies the major drawback of this method. Due to this drawback only, the persons invented a new method, which we call return down value method, which we will discuss later. Right? चलिए जी थर्ड पे आइए. Decrease in utility. Utility here means usefulness. जैसे जैसे टाइम बीतता है एसेट की यूजफुलनेस क्या होनी शुरू हो जाती है, कम होनी शुरू हो जाती है. लेकिन हम डेप्रिसिएशन में हेर फेर ही नहीं करते, हम डेप्रिसिएशन सेम अमाउंट से चार्ज करते रहते हैं. अगेन अ ड्रॉबैक, जो वर्डिंग लिखी है दैट आई विल रीड. एसेट इन द अर्लियर पार्ट ऑफ इट्स वर्किंग लाइफ प्रोवाइड्स मोर यूटिलिटी. ठीक है, जितनी यूजफुलनेस, मतलब जितनी मेरी एक गाड़ी की माइलेज पहले साल थी, क्या दसवें साल भी उतनी माइलेज देगी मेरे को गाड़ी? नो. ठीक है, सिमिलरली जितनी कैपेसिटी मेरी पहले साल मेरी मशीनरी की थी, क्या उतनी ही प्रोडक्शन कैपेसिटी दसवें साल में भी होगी? नो. सो एज एंड व्हेन द एसेट्स गेट्स ओल्डर, इट्स यूटिलिटी कम्स डाउन, इट स्टार्ट्स डिटीरियोरेटिंग. एग्रीड? आगे रिलेट कैसे किया? एसेट इन द अर्लियर पार्ट ऑफ इट्स वर्किंग लाइफ प्रोवाइड्स मोर यूटिलिटी एज कम्पेयर टू द लेटर पीरियड व्हेन द एसेट ग्रेजुअली बिकम्स ओल्डर. सो द बेनिफिट एंड द कॉस्ट आर नॉट मैच्ड रैशनली. ये मेरे अकाउंट्स का फंडा है, कॉस्ट और बेनिफिट का हमेशा कंपैरिजन करना होता है. यहां पे हमेशा मान के चलना है, बिजनेस अगर प्रॉफिट में आपने चलाना है तो कॉस्ट शुड ऑलवेज बी लेस देन द बेनिफिट. विल यू एग्री? बड़ी क्लासेस में जाके यू विल फाइंड दिस. अलग से एक चैप्टर होगा विच विल बी नेम्ड एज कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस. बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट यू शुड हैव अ बिजनेस माइंड एंड यू शुड कंपेयर द कॉस्ट एंड बेनिफिट. पहले सालों में क्या होगा? When the asset is totally new, your cost will be lesser than the benefit. How come? आपने खर्चा क्या किया होगा? कम, और बेनिफिट आपको ज्यादा मिलेगा क्योंकि एसेट नया है. एसेट नया है, फॉर एग्जाम्पल आई परचेज द मशीनरी फॉर 5 crore रुपीज एंड इन द फर्स्ट ईयर इट इज गोइंग टू प्रोड्यूस 10,000 यूनिट्स. 10,000 यूनिट्स अगर मशीनरी प्रोड्यूस कर रही है पहले साल में, in the first year the machinery was giving us the production of 10,000 units. In order to produce that 10,000 units, we have to see how much cost we incurred. See the board everyone. In the first year the machinery was totally new and it was producing 10,000 units. राइट, 10,000 यूनिट्स की जब आपने सेल करी तो यू अर्न 5 lakh रुपीज. मतलब आई एम अज्यूमिंग हर यूनिट 50 रुपए का बिका. ठीक, उस टाइम पे आपकी कॉस्ट इंकर हुई थी 3 lakh. सो कॉस्ट वॉज लेस. 10,000 यूनिट्स को बनाने के लिए आपने क्या किया? 3 lakh आपका खर्चा हुआ. उस 3 lakh में डेप्रिसिएशन भी है. ठीक है, आई एम अज्यूमिंग उसमें डेप्रिसिएशन 1 lakh है एंड स्ट्रेट लाइन मेथड है. डन. धीरे धीरे As and when the asset will grow older, अगले साल यूनिट कितने बने? फॉर एग्जाम्पल 9500. अगले साल यूनिट कितने बने? 9500 से हमारी सेल कितनी हुई? फॉर एग्जाम्पल 4,20,000. लेकिन कॉस्ट कितनी रही? डेप्रिसिएशन बीच में 1 lakh ही है, कॉस्ट 3,20,000 कर लेते. अगेन वी आर एट द बेनिफिट. लेकिन पहले साल हमारा 2 lakh प्रॉफिट था, यहाँ पे प्रॉफिट कम होके कितना हो गया? 1 lakh हो गया, क्योंकि हमने डेप्रिसिएशन की अमाउंट बीच में नहीं रिड्यूस करी. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस डेप्रिसिएशन इज बिकमिंग द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपको सिखाया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेसेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक. ठीक है, और डेप्रिसिएशन इज माई इनडायरेक्ट एक्सपेंस. इसके अलावा और भी बहुत सारे खर्चे होंगे भाई, रेंट होगा, सैलरी होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होंगे, एडवर्टाइजमेंट होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा. Overall, he wanted to tell you that under this method, we ignore the basic fact of our accountancy, that is cost and benefit का analysis हम नहीं करते. क्योंकि जैसे जैसे asset की life क्या होनी शुरू हो जानी है? बढ़नी शुरू हो जानी है, उसने हमें benefit कम देना शुरू करना है और cost बढ़नी शुरू हो जानी है क्योंकि repair पे ज्यादा खर्चा होना. तो ऐसे हालातों में आपने depreciation की amount कम करनी थी जबकि आपने पहले साल जैसी इक्वल ही अमाउंट रखी. सो दैट्स व्हाई इट बिकम्स अगेन अ लिमिटेशन ऑफ दिस मेथड, बिकॉज यू नेवर कंसिडर द यूटिलिटी लेवल ऑफ द एसेट. यू जस्ट इमेजिन जितना यूटिलिटी मेरे को वो फर्स्ट ईयर में देता था उतना यूटिलिटी ही सेकेंड थर्ड एंड फिफ्थ ईयर ऑनवर्ड्स मेरे को एसेट देता रहेगा, बट इट इज नॉट गोइंग टू हैपन द सेम, विच बिकम्स अ लिमिटेशन ऑफ दिस मेथड. अगेन
इनकम टैक्स, क्योंकि ये मेथड इलॉजिकल है, क्योंकि ये मेथड अनसाइंटिफिक है, हमारे इंडिया का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसे एक्नॉलेज नहीं करता। हमारा इंडियन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है यू शुड अवॉइड टू यूज दिस मेथड बिकॉज इट इज इलॉजिकल, सो इन प्लेस ऑफ इट दे रिकमेंड टू यूज रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड व्हिच विल बिकम द एडवांटेज ऑफ दैट मेथड व्हिच वी विल डू लेटर। अगर ये इसका लिमिटेशन है तो डेफिनेटली उस मेथड को अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक्नॉलेजमेंट दे रहा है तो वो उसका क्या बनेगा, एडवांटेज बनेगा। सो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से इसे रिकॉग्निशन नहीं है। No provision for replacement. देखते हैं क्या लिखा है इसने। The amount charged at depreciation under this method is retained in the business. जो पैसा आप depreciation की form में deduct करते हैं वो पैसा आप अपने business में ही रखते हैं। देखना जरा, फिर से illogical है। हर साल 2-2 लाख जोड़ा, business में ही संभाल के रख लिया, पांचवें साल आपके पास 10 लाख हो गया। बीइंग अ रैशनल पर्सन यू शुडंट इन्वेस्ट इट समवेयर ताकि इंटरेस्ट मिलता और ये पैसा बढ़ता, बोलो। तो जब स्ट्रेट लाइन मेथड की तरफ से डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है वो पैसा बिजनेस में ही रिटेन किया जाता है, उसे बाहर कहीं इन्वेस्ट नहीं किया जाता। इसी अमाउंट की एफडी करवा देते भाई, पहले साल 2 लाख डेप्रिसिएशन अगर डिडक्ट किया है तो जाके तो पांचवें साल नया एसेट खरीदने ना, तब पैसे की जरूरत पड़ेगी। पहले साल 2 लाख की एफडी बना देते, उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता रहता, अगले साल फिर 2 लाख आपने डेप्रिसिएशन चार्ज किया उसकी दूसरी एफडी बना देते ताकि आपको इंटरेस्ट मिलता रहे। और ज्यादा रिस्क लेने को तैयार हैं तो 2 लाख के शेयर खरीद लेते किसी कंपनी के, क्या पता डबल हो जाती है। ठीक है, सो दिस इज नॉट बीइंग डन अंडर दिस मेथड। लास्ट लाइन में क्या लिखा, इट इज नॉट इन्वेस्टेड इन एनी सिक्योरिटीज फॉर द फ्यूचर रिप्लेसमेंट ऑफ द एसेट। हमें डर है इस मेथड के अकॉर्डिंग, वी आर नॉट रेडी टू टेक द रिस्क। हमें लगता है कभी भी एसेट क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा और हमें पैसा चाहिए होगा, उस टाइम पे एफडी ब्रेक करवाने जाएंगे या सेल शेयर्स में अगर इन्वेस्ट किया तो शेयर्स को बेचेंगे, मान लो शेयर नहीं बिकते या शेयर्स में हमें घाटा पड़ जाता है सो वी विल बी एट द लॉस। सो दैट्स व्हाई वी अवॉइड टू इन्वेस्ट इट समवेयर, वी जस्ट रिटेन द मनी विद अस ओनली। 6 पॉइंट छोड़ दो, क्वाइट टिपिकल, यू विल नॉट गेट। सो 5 पॉइंट्स ऑफ डीमेरिट्स आर ओके विद यू। नाउ वी आर प्रोसीडिंग विद द न्यूमेरिकल पोर्शन ऑफ द चैप्टर। कम एट इलस्ट्रेशन नंबर 1। सारा चैप्टर कैलकुलेशन बेस्ड है एंड लेजर अकाउंट है। मींस ही विल आस्क फ्रॉम यू टू प्रिपेयर द एसेट अकाउंट, ही विल आस्क फ्रॉम यू टू प्रिपेयर द डेप्रिसिएशन अकाउंट। दो लेजर अकाउंट है और आगे जाके एक नया मेथड करेंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एंड एसेट डिस्पोजल अकाउंट, देन वी विल बी प्रिपेयरिंग 3 अकाउंट्स, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद अ वेरी सिंपल मेथड। वन थिंग मोर, In order to prepare the ledger account, we need to pass the journal entries. इस लेवल तक मेरे ऑथर की भी यही इमेजिनेशन होती है और मेरी खुद की भी इमेजिनेशन ये होती है कि जर्नल एंट्रीज में आप एक्सपर्ट हो चुके होते हैं। जर्नल एंट्रीज विल रन इन टू माई माइंड एंड आई विल जस्ट प्रिपेयर द लेजर। जर्नल एंट्रीज आर नॉट द पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, राइट। वो जर्नल एंट्री पूछता ही नहीं है, जर्नल एंट्रीज हमें आती है। आप खुद बताओ, जब मैं एसेट खरीदूंगी पहला क्वेश्चन ही यहाँ पे स्टार्ट होगा, A limited purchase machinery of rupees 5 lakh. What will be the entry? Machinery to bank. क्योंकि 5 लाख है, हम मान के चलते हैं 20,000 से ज्यादा पेमेंट है जो चेक के थ्रू पेमेंट होती है और मोदी गवर्नमेंट भी यही कहता है, ठीक है। सो वी विल बी अज्यूमिंग कि चेक के थ्रू पेमेंट हुई होगी, वो लिखे या ना लिखे, हम लोग 20,000 से जब कभी भी ज्यादा अमाउंट आएगी क्वेश्चन में, हम लोग उसे क्या करेंगे, बैंक के थ्रू ही अजम्पशन लेके एंट्री पास करेंगे। सो एंट्री यू आर फेमिलियर विद। उसके बाद वो बोलेगा साल बीत गया, डेप्रिसिएशन चार्ज करो। क्या एंट्री करोगे डेप्रिसिएशन की? टू मशीनरी, बस आपको आती तो एंट्रीज। एक नई एंट्री मैंने आपको सिखानी है। चलो लेजर अकाउंट बनाने से पहले 3 एंट्रीज जो बार बार इस चैप्टर में हुआ करेंगी, लेट्स सी। मैं बार बार बोल रही हूँ एंट्रीज विल रन इनटू माय माइंड एंड आई विल जस्ट पोस्ट देम इनटू द लेजर अकाउंट। मशीनरी अकाउंट डेबिटेड while preparing the ledger account we will run the date column as well, so date of purchase he will definitely give you in the question, right। pehli assumption, everyone will listen to me carefully, I bought it on 1st april 21, theek। entry hogi 1st april 21 ko machinery account debited to bank account,
फॉर एग्जाम्पल 10 लाख। साल बीता, क्वेश्चन में लिखा होगा कंपनी क्या फॉलो कर रही है कैलेंडर ईयर के फाइनेंशियल ईयर। मान लो कंपनी फाइनेंशियल ईयर फॉलो करती है, मींस अकाउंट्स आर गोइंग टू बी क्लोज ऑन 31st मार्च एवरी ईयर। डन। पूरे साल का लगेगा कि कम मंथ्स का लगेगा डेप्रिसिएशन? अब मैं चेंज करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल कंपनी इज फॉलोइंग द कैलेंडर ईयर, मींस अकाउंट्स कम्स टू क्लोज ऑन 31st दिसंबर, तो 9 महीनों का, अप्रैल से लेके दिसंबर, क्योंकि कैलेंडर ईयर के केस में दिसंबर को अकाउंट्स क्या होते हैं, क्लोज। एम आई राइट? सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप सोच के देखो, अगर पहले साल का डेप्रिसिएशन गलत है ना, अगले सारे सालों का डेप्रिसिएशन गलत आना। जस्ट सी, तो मैंने आगे क्वेश्चन में कभी चेक ही नहीं करती, अगर फर्स्ट ईयर का रॉन्ग है आई विल जस्ट पुट अ लॉन्ग क्रॉस लेजर अकाउंट में। ठीक, सो यहाँ पे हम सिंपल ही रखते हैं, वी आर एज्यूमिंग कि फाइनेंशियल ईयर क्या हो रहा है, फॉलो हो रहा है। डेप्रिसिएशन की एंट्री बोलो, चैप्टर का नाम ही डेप्रिसिएशन है, तो डेप्रिसिएशन की एंट्री तो वी हैव टू पास। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू, बिल्कुल ठीक। लॉजिक क्या है? डेप्रिसिएशन बीइंग एन एक्सपेंस नॉमिनल अकाउंट है, इज टू बी डेबिटेड एंड वैल्यू ऑफ द मशीनरी कम्स डाउन व्हिच इज अ रियल अकाउंट। जब कभी भी एसेट की वैल्यू डाउन होती है हम उसे क्रेडिट करते हैं। ठीक है जी, दिस इज व्हाट मशीनरी। सो लेट्स अज्यूम 20% स्ट्रेट लाइन मेथड है, 2 लाख। हमारे बिजनेस का एक रूल है, जो भी पूरे साल, एंड दिस एंट्री यू विल पास ऑन, इसे 20 कर देते हैं, इसे 21 कर देते हैं, क्योंकि मैं 22 लिख नहीं सकती, अभी 22 आना है। ठीक है, दैट इज अ फ्यूचर डेट। सो आई अज्यूम 1st अप्रैल 20th को ये एसेट खरीदा और 31 मार्च 21 को हम लोगों ने इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाया, पूरा साल इसे यूज किया। वी अज्यूम कि एसेट्स वैल्यू कम्स डाउन, सो दैट्स व्हाई वी पास दिस एंट्री। उसके बाद हमारे बिजनेस का एक रूल है, थ्रू आउट द ईयर व्हाटएवर यू अर्न, व्हाटएवर यू स्पेंड, दैट इज टू बी ट्रांसफर टू अ सिंगल अकाउंट व्हिच वी कॉल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो बीइंग एन एक्सपेंडिचर, दिस इज टू बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड दिस इज अ न्यू एंट्री यू आर लर्निंग इन दिस चैप्टर व्हिच वी कॉल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू डेप्रिसिएशन। हर साल डेप्रिसिएशन चार्ज करना है और उसे पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर करना है, दिस इज द लॉजिक बिहाइंड इट, एंड दिस एंट्री आल्सो यू विल बी पासिंग ऑन द सेम डे एट द एंड ऑफ द ईयर, बिकॉज वी नीड टू मैच द रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस इन ऑर्डर टू नो द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस, सो वी हैव टू ट्रांसफर ऑल द एक्सपेंसेस, ऑल द इनकम्स अर्नड और स्पेंड, एक्सपेंसेस स्पेंड टू ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट। ठीक है, सो पीएनएल अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, बिंग अ नॉमिनल अकाउंट इसकी डेबिट साइड पे सारे खर्चे हुआ करेंगे और इसकी क्रेडिट साइड पे सारी इनकम्स हुआ करेंगी, इसलिए पीएनएल अकाउंट डेबिट है और डेप्रिसिएशन अकाउंट क्या है, क्रेडिट है। ठीक है, पहली दो एंट्रीज आपके लिए नई नहीं थी, आपको आती थी, और एक नई एंट्री मैंने आपको ट्रांसफर एंट्री से बोलते हैं, ट्रांसफर एंट्री करनी सिखाई। डन, शुड वी प्रोसीड? सो दीज एंट्रीज नीड नॉट टू पास, दैट विल बी इन माई माइंड। अब जब मैं इन एंट्रीज को देखती हूँ तो एक तो मैं मशीनरी अकाउंट बनाना बनता है, एक डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना पड़ता है। मशीनरी अकाउंट का, ध्यान से एक लाइन सुना, मशीनरी अकाउंट का हर साल क्लोजिंग बैलेंस आएगा, हर साल के एंड में क्लोजिंग बैलेंस होगा जो अगले साल के बिगिनिंग में ओपनिंग बनेगा। ठीक है, क्या डेप्रिसिएशन अकाउंट का भी बैलेंस आएगा हर साल क्लोजिंग और वो अगले साल ओपनिंग बनेगा? नो। वाई? ये डेप्रिसिएशन चार्ज किया, ये ट्रांसफर करके क्लोज कर दिया, बैलेंस बचा कहां? तो डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना तो बहुत इजी है भाई, डेप्रिसिएशन अकाउंट की डेबिट साइड पे हमेशा टू एसेट लिखा करेंगे, बाय वाली साइड पे हमेशा बाय पीएनएल अकाउंट लिखा करेंगे, दो डबल लाइन लगा दिया करेंगे, टोटल भी नहीं किया करेंगे, बिकॉज इट इज गोइंग टू बी बैलेंस ऑटोमेटिकली, इट विल नेवर बी शोइंग एनी बैलेंसिंग फिगर एट द एंड ऑफ अ पर्टिकुलर ईयर। आर यू एग्रीइंग विद दिस फैक्ट? सो डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना बहुत ईजी रहता है, बात हमेशा कहां पे अटकेगी, मशीनरी के अकाउंट में, क्योंकि आगे जाके वो ये बोलेगा ये एसेट डिस्कार्ड हो गया और मैंने बेच दिया, कभी वो बोलेगा मैंने प्रॉफिट पे बेचा, कभी वो बोलेगा मैंने लॉस पे बेचा। यू नीड टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस, क्योंकि वो आपको क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस देगा। एंड इन दिस चैप्टर 1 न्यू टर्मिनोलॉजी यू विल लर्न व्हिच वी कॉल बुक वैल्यू। वी विल ऑलवेज बी कंपेयरिंग द बुक वैल्यू विद द सेल्स वैल्यू। सेल्स वैल्यू वो आमतौर पर क्वेश्चन में देगा और बुक वैल्यू हम लोग खुद कैलकुलेट किया करेंगे। बुक वैल्यू इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस टोटल डेप्रिसिएशन चार्ज टिल द डेट ऑफ सेल। बुक वैल्यू का मतलब क्या है?
जितने का एसेट आपने खरीदा था उसके ऊपर अब तक कितना डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुका है वो माइनस कर दीजिए टिल द डेट ऑफ सेल, यू विल गेट द बुक वैल्यू. इफ द बुक वैल्यू इज ग्रेटर देन द सेल वैल्यू, यू आर एट प्रॉफिट. इफ रिवर्स हैपन, यू आर एट लॉस. यही है मेन. पूरा चैप्टर विल डील विद दिस, हाउ टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस. दैट इज अ पार्ट ऑफ योर वर्किंग नोट. यू विल बी कैलकुलेटिंग दिस होल फिगर्स इन योर वर्किंग नोट्स एंड देन यू विल बी पासिंग द इनपुट. अब मेरे को एक एंट्री और सिखानी है. जब एसेट पुराना हो जाता है और आप उसे बेचते हैं, ये तो खरीदने की, डेप्रिसिएशन की और डेप्रिसिएशन चार्ज करने की. एक और एंट्री, बस चार एंट्रीज के ऊपर पूरा चैप्टर बेस्ड है. यू बॉट द एसेट, यू चार्ज द डेप्रिसिएशन, यू ट्रांसफर द डेप्रिसिएशन इनटू पी एंड एल अकाउंट, देन यू सेल ऑफ द एसेट. जब एसेट पुराना हो जाता है आप उसे बेचते हैं, पैसा आए. चलो एग्जम्पशन लेते हैं. यही एसेट था 10 लाख, ठीक है. चार साल के बाद इसे बेचा जा रहा है. चार साल के बाद मींस फिफ्थ ईयर के बिगिनिंग में. यू टेल मी कितना डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुका होगा. बिल्कुल ठीक, वेरी गुड, इंस्टेंट आंसर, गुड. 2 लाख x 4, 8 लाख. आपके पास इस एसेट की वैल्यू 2 लाख. यू आर सेलिंग एट 166. क्वेश्चन में दे रखा है द कंपनी सोल्ड दिस एसेट एट 1,66,000. यू आर एट लॉस. तो मैं पहले लॉस की एंट्री सिखाऊंगी और फिर मैं अज्यूम करूंगी कि 2,06,000 में बिका है तो प्रॉफिट पे, ठीक है. पहले लॉस पे देखते हैं. यू आर गेटिंग द अमाउंट एज द अमाउंट इज अगेन इन लाख. बैंक यू विल रिसीव, यू विल रिसीव अ चेक. हाउ मच यू आर रिसीविंग, हाउ मच यू आर रिसीविंग इन दिस केस 166. ऑल द लॉसेस आर ऑलवेज टू बी, ऑल द लॉसेस आर ऑलवेज टू बी डेबिटेड. एंड सारे लॉसेस, सारी एक्सपेंसेस, सारी इनकम कौन से अकाउंट में जाती हैं? पी एंड एल अकाउंट में. इसलिए लॉस को भी हम पी एंड एल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे. अगर नहीं करना तो आप यहाँ पे लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट भी लिख सकते हैं, जो आपको जर्नल एंट्रीज के चैप्टर में सिखाया होता है. लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट सिखाया होता है ये टर्म, ठीक है. सो यू कैन राइट लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी लिख दीजिए चाहे. हाउ मच लॉस यू आर सफरिंग विद, व्हाट इज गोइंग आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, मशीनरी. और मशीनरी कितने की थी भाई? 2 लाख की. एनी डाउट? जब एसेट खरीदते हैं तो उसे डेबिट करते हैं, इट इज ऑब्वियस. जब पुराना एसेट बेचेंगे तो उसे क्रेडिट ही करेंगे. भाई तू क्रेडिट ही तो किया है, बात खत्म. डेबिट साइड इज मैचिंग विद द क्रेडिट साइड. नाउ वी विल टेक एन एग्जांपल दैट वी आर सेलिंग इट एट प्रॉफिट. बुक वैल्यू इज अगेन सेम, बुक वैल्यू इज अगेन सेम 2 लाख. आप उसे बेच रहे हैं 2,06,000 में, यू आर एट गेन. अगर लॉस एंट्री में डेबिट हुआ, इट इज क्वाइट ऑब्वियस प्रॉफिट एंट्री में क्या होगा, क्रेडिट. इधर और होगा, या प्रॉफिट में बिकेगा या लॉस में बिकेगा, दोनों में से एक एंट्री करोगे. यू हैव टू डिसाइड दैट, यू हैव टू कैलकुलेट दैट इन द क्वेश्चन. सो आई एम सेलिंग इट नाउ एट 2,06,000. बैंक में आएगा 2,06,000 टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, क्योंकि बीइंग अ प्रॉफिट इट इज टू बी क्रेडिटेड, बीइंग अ गेन इट इज टू बी क्रेडिटेड. विल इट बी अ गेन और अ प्रॉफिट? टर्मिनोलॉजी में डिफरेंस. व्हाई गेन? Because gain is always of non-recurring nature, वो कभी कभार होता है. Profit is from the normal course of the business. ठीक है, business की activities से जो होता है profit होता है, जो non-business activities से होता है उसे gain. लेकिन to be specific वो इसे भी profit कह देता है. आप profit की जगह gain भी word लिख दोगे तो गलत नहीं होगा, ठीक है. To profit on sale of machinery, कितना profit हुआ? Entry को complete करवाओ. Machinery तो book value की 2 लाख की गई. To machinery, that is what? 2. Any doubt? So these are the 4 entries towards which the whole chapter revolves. ठीक है, entries को याद करना is not a difficult task for us. Difficulty level वहीं पे बढ़ता है जब वो asset में profit or loss की calculation बोलता है, and that will come in 4th or 5th illustration. My first illustration is very easy that we can do even orally. चलिए जी करते हैं illustration number 1. जितना भी time रहता है we will discuss. Read it. पढ़ो. यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मेथड डायरेक्ट नहीं लगेगा बिकॉज परसेंटेज इज नॉट गिवन, बिकॉज हियर द लाइफ ऑफ द एसेट इज बीइंग गिवन. सो आई विल बी अप्लाइंग अ डिफरेंट फॉर्मूला हियर. अ ट्रेडर बॉट मशीनरी. डेट ऑफ परचेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर. आई विल ऑलवेज बी कॉलिंग एट DOP. मैं हमेशा, और एक बात आपको याद रखनी है, ऑलवेज रीड द क्वेश्चन ओनली वंस.
जो भी क्वेश्चन में कैलकुलेशन के लिए आपको चाहिए टॉप पे लिखिए, बार बार स्टेटमेंट नहीं पढ़नी। और मैं हमेशा यही किया करूंगी, चारों लाइनें मैं पहले पढ़ूंगी, जो जो मेरे को रिक्वायर्ड है आई विल बी राइटिंग एट द टॉप एंड देन आई विल स्टार्ट माय कैलकुलेशन। डीओपीएस 1st April 13, डीओपी मींस डेट ऑफ परचेज। एसेट खरीदा था 125 में, उसकी लाइफ कितनी थी 5 साल, 5 सालों के बाद स्क्रैप मिल जानी है 25,000। बस आपसे पूछा है मशीनरी अकाउंट बनाओ, डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाओ, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। क्योंकि क्वेश्चन में परसेंटेज नहीं है तो फिक्स इंस्टॉलमेंट का एक और फॉर्मूला भी होता है विच वी कॉल एनुअल डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। सो एनुअल डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइडेड बाय लाइफ। ऑरली करवाइए, कॉस्ट इज 125 एंड द स्क्रैप इज 25, सो इट न्यूमरेटर कम्स टू मी 1 lakh। What is the life of the asset? That is 5. It means ki every year you will be charging 20,000. Done. अब 5 सालों का मशीनरी अकाउंट बनाना होगा क्योंकि मशीन की लाइफ 5 साल है, ठीक है? So I will be preparing here मशीनरी अकाउंट which we will continue tomorrow.